हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के साथ में स्टीम पर वीडियो लेकर के आई हूँ कि स्टीम क्या होता है और इसको लेने से क्या होता है। वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को बहुत से लोगों के साथ में शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं गाइज। स्टीम लेने से आपके फेस पे बहुत अच्छा सा एक लुक क्रिएट होता है। जैसे कि आप उसको लेंगे तभी पता लगेगा आपको, ऐसे तो पता नहीं लगेगा। जब आप लोगे ना तब तो आपको कुछ अच्छा सा आपके फेस पे आएगा, दिखेगा कि हाँ बहुत ही आपका जो फेस है बहुत ही ग्लोई दिख रहा है और बिल्कुल फेयर दिख रहा है, बिल्कुल साफ और एकदम क्लीन दिखने लगेगा। जैसे कि आप अभी मेरे फेस को देख सकते हैं, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, जस्ट मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई करी हुई है और मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं किया, और मैं कैमरे को पास में ही रख कर शूट कर रही हूँ बिकॉज आप लोग को सारी चीज़ें दिखे, एक एक चीज़ दिखे मेरी इस वजह से। सो गाइस, जो स्टीम होता है, भाप होता है, आप उसको कई तरीके से बना सकते हैं। अगर आप सिंपल लेते हो तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। अगर आप उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पाउडर वगैरह ऐड करके स्टीम बनाते हो, बेस्ट स्टीम बनाते हो, तो आपके स्किन के लिए, आपकी फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें मार्केट में जाते हैं 2000, 3000, 4000, बहुत से लोग तो 8-8, 9-9 हज़ार के फेशियल करा के आते हैं तो भी उनको वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है और सोचते हैं कि यार आज तो फेशियल हो गया, मज़ा आ गया, ये वो। ठीक है गाइज, तो इससे सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर पे स्टीम लीजिए, और घर पे स्टीम लेने के बाद से जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आप खुद ही इस वीडियो के नीचे आकर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा मेरा स्टीम का ये जो तरीका है और मैंने आप लोगों के साथ में जो शेयर किया। गाइज, सबसे पहले एक चीज़ तो ये है कि स्टीम लेने से आपके जो फेस होते हैं, जो पोर्स होता है, वो ओपन रहता है, ठीक है, और अच्छे से वर्क करता है। आप कोई भी चीज़ लगाते हो, टोनर लगाते हो, टॉनिक लगाते हो, मिस्ट लगाते हो, या फिर आप कोई पैक लगाते हो, या फिर आप कोई मॉइस्चराइजर लगाते हो, कुछ भी लगाते हो आप मतलब मान लो फ्रूट्स लगा रहे हो, फ्रूट्स के कोई जूस हो गए वो लगा रहे हो, चावल के भी बहुत अच्छे से पैक बनते हैं, वो स्किन वाइटनिंग में बहुत ही हेल्प करता है आपके। तो अगर आप वो लगाते हो तो वो आपके स्किन के अंदर जाता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर वो बाहर से आपको ब्राइटन अप लुक देता है, जिससे कि आपका जो फेस है बहुत ही ग्लोई हो जाता है और एकदम फेयर हो जाता है। आपने मेरी पहले की वीडियोस और अब की वीडियोस में बहुत ही डिफरेंस देखा होगा, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। बट मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी स्टीम से रिलेटेड, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ स्टीम से रिलेटेड। गाइज, स्टीम लेने से आपके बहुत तरह के फायदे होते हैं। आपकी स्किन जो होती है बिल्कुल टाइट हो जाती है और बहुत ही अच्छी हो जाती है, गुड लुकिंग हो जाती है। आपको 10 तरह की 20 तरह की क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई मुझे कहेगा कि मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ या डे क्रीम लगाती हूँ, या मैं अपने फेस को अपने केवल मैं पानी से वॉश करती हूँ, या फिर मैं घर की किचन की चीज़ें यूज़ करती हूँ अपने फेस को वॉश करने के लिए, कोई मुझे यही कहेगा 75 तरह की क्रीम लगाती है और अभी वीडियो शूट कर रही है तो भी इसने मेकअप करा हुआ है। तो गाइज, मैं यहाँ पर कोई भी मेकअप नहीं की हूँ, और अगर किसी को प्रूफ चाहिए हुआ तो बता दीजिएगा, मैं प्रूफ दे दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो गाइज, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि कहने वाले दीदी कहते हैं और आप अपना काम करिए, आप जो काम करते हो सही करते हो, तो सही बात है उनकी। तो मैं यहाँ पर आप लोग के साथ में स्टीम से रिलेटेड बातें जो शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले क्या करता है, आपके फेस को क्लीन करता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है आपके स्किन में वो बाहर निकाल देता है, जो भी मुहासे होते हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिससे कि आपके जो मुहासे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गहराई के अंदर चले जाते हैं, तो जो उसमें कीटाणु हो जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो जाती है जिस वजह से, वो डस्टिंग की वजह से अगर हो रही है, तो वो जो स्टीम आप लेते हो तो वो आपके स्किन के अंदर जाकर उसको ख़त्म कर देती है। तो क्या होता है, आपके जो मुहासे होते हैं वो जड़ से ख़त्म होने लगते हैं। दूसरा है हमारा, आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम को होने नहीं देती है स्टीम। जब आप स्टीम लेते हो तो आपकी जो फेस की जो नस होती हैं वो क्या करती हैं, काम करती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो ब्लड का जो फ्लो होता है बहुत ही अच्छा होता है, इससे कि आपकी स्किन ग्लोई रहती है और आपके फेस पे रिंकल्स की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। मेरी आंखों के नीचे देखिए आप लोगों को कहीं लग रहा है मेरे आंखों के नीचे काले घेरे हैं, बाबू हो गया है मेरा कृष्णू, और मेरे कहीं पे भी झाइयाँ नहीं पड़ी हैं, कहीं पे भी स्ट्रेच मार्क नहीं आया, बिकॉज मैं बहुत केयर करती हूँ, मैं बाहर की चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, अपना DIY ही कराती हूँ। हाँ, शादी है, ब्याह है, पार्टी है, एंगेजमेंट है, सेरेमनी है, रिंग सेरेमनी है, आप
उसमें कराइए फेशियल। ऐसा नहीं है कि आपको मना कर रही हूँ मैं, बट आपका मन है तो आप कराइए। बट आप घर की चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, बिकॉज वो नेचुरल होती हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जाते हैं 4 से 5 हज़ार का फेशियल करा के आते हैं और हमारे फेस पे एक लेयर सी जम जाती है, ऐसा लगता है कि काली काली सी स्किन हो गई है। मुझे VLCC का कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, मैं कभी भी यूज़ नहीं करती VLCC का प्रोडक्ट जो है, मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है और मैं यूज़ भी नहीं करती उसको। एक बार मैंने कराया था पर्ल फेशियल, मेरा फेस इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था, इतना ज़्यादा काला काला सा लग रहा था कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो मैंने अपना खुद का DIY फेशियल बनाया था दही का और हनी का, उसको मैंने यूज़ किया था अपने फेस पे, मुझे बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। आप लोग को चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ में। सो गाइज, स्टीम से आपके फेस पे एक फेयरनेस सा लुक आता है, जैसे कि आप कह सकते हो गोरापन, ठीक है, आप लोग को दिख गया होगा वीडियो में, गोरापन जिसे हम कहते हैं, हाँ जी गोरापन, ठीक है। और दूसरा है हमारा रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होने देता है, बुढ़ापा जो होता है उसको भी जल्दी से क्रिएट नहीं होने देता है, मुहासे जो होते हैं फेस पे उनको कम करता है, उनको दूर कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है ये, अच्छे से बिल्कुल डीपली जाके वर्क करता है ये। अगर आप अपने स्टीम वाले पानी को अगर बहुत ही अच्छा इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप उसमें डाल सकते हो एसेंशियल ऑयल, कुछ पाउडर्स, जो चीज़ें आप उसमें ऐड करोगे वो सारी चीज़ें आपके फेस को मिलेगी, आपके स्किन को मिलेगी, तो आपके जो फेस है बहुत ही अच्छा ब्राइटनअप हो करके निखार आएगा उसमें 4 गुना। तो जब जाएंगे आप बाहर जाएंगे तो आपसे लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया है। गाइज, हम जब मेकअप करके जाते हैं कहीं तो लोग हमें घूर घूर के देखते हैं, और हमारे फेस पे मेकअप ना हो और हमारा फेस ऐसे ही चमके तो लोग कितना देखेंगे, आप बताइए। कभी कभी ऐसा होता है हम ट्रेन में जा रहे होते हैं और हम सो रहे होते हैं, सुबह उठते ही हमें कहीं जाना होता है या फिर कोई होता है साथ में, तो एकदम से मुंह गंदा सा लगता है, मेकअप लगाए रहते हैं तो शर्मशी आती है ना, आती है ना। एक मेरी फ्रेंड है, उसके ना फेस पे इतने ज़्यादा मुहासे हैं, इतने ज़्यादा मुहासे हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, हद से ज़्यादा। तो आप लोग अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी नेचुरल ब्यूटी काफ़ी टाइम तक बरकरार रहे तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। स्टीम को आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो, स्टीम बहुत ही बेस्ट है आपके स्किन के लिए। गर्मियों में स्टीम मत लीजिए ज़्यादा, बट ठंडी में आप स्टीम ले सकते हो। और आप अगर पैसे बचाना चाहते हो, कुछ अपना पॉकेट मनी सेव करना चाहते हो, चाहे यहाँ पर टीनएजर्स हो, कॉलेज जो लड़कियाँ जाती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, उनके लिए भी है ये, वुमेन के लिए भी है ये। और झाइयों की जो समस्या होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है ब्लेमिशेस की, और आपके फेस पे झुर्रियों की, रिंकल्स की, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होता है आपका। और ब्लड जो ब्लड का जो फ्लो होता है बहुत ही तेज़ होता है, तो आपका जो फेस होता है बहुत ही अच्छे से ग्लो करता है। तो स्टीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। और मैं आप लोग को अगर वीडियो चाहिए होगी तो मैं आप लोग के साथ में 10 से 12 तरह के स्टीम वाटर शेयर कर दूंगी, आपको कैसे बनाना है, यूज़ कैसे करना है। 10-12 तरह के मैं आपके साथ में टोनर शेयर कर दूंगी, 10-12 तरह के स्टीम वाटर शेयर कर दूंगी, 10-12 तरह के आपके साथ में पैक शेयर कर दूंगी, सीट मार्क शेयर कर दूंगी, DIY हमारा DIY जो पैक होता है बहुत ही अच्छा होता है गाइज। बाहर के जो पैक होते हैं DIY, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बस उसमें क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चले। सबके पास इतना टाइम नहीं है आजकल की भीड़ में, बट जिनके पास टाइम है वो ये चीज़ें कर सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी एज, अगर आप 20 के हो तो आप 15 के दिखो, 16 के दिखो, अगर आप 25 के हो तो आप 20 के दिखो, तो आपको घर की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, मेरा मानना ये है, ठीक है गाइज। मुझे कोई नहीं कहेगा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मेरी एज क्या लगती है, फिर मैं आप लोग को अपनी एक्चुअल एज बताऊंगी, और आधार कार्ड होता है ना वहाँ पे, वो भी मैं शो कर दूंगी। सो गाइज, वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, और ये जो सब्सक्राइब का जो बटन है रेड कलर का उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जो भी मेरी नोटिफिकेशन आएगी आप लोग के पास तुरंत से तुरंत आ जाएगी। और हाँ, आज मैं आज है थर्सडे और मैं संडे में आ रही हूँ लाइव, सो आप लोग आ जाइएगा, मैंने इस वीडियो में बता दिया है, संडे में मैं 1 बजे के करीब लाइव आ जाऊँगी, तो आप लोग आ जाइएगा जल्दी से और खूब सारी हम बातें करेंगे। सो बाय फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।